हेलो, कैसे वेलकम वेलकम बैक गाइस, कैसे हो, कैसे हाउ आर वी फीलिंग? आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट। हेलो, वेलकम बैक टू द मोस्ट मैच्योर चैनल ऑन यूट्यूब। गाइस, डीपी को माइंड मत करना, ठीक है? डीपी को माइंड क्यों कर रहे हो तुम? टेंशन क्यों ले रहे हो यार? हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन है ये। एंड वैसे भी एक महीना ही तो है तो ये महीना वैसे मेंस मेंटल हेल्थ मंथ भी, बट उसको सीरियसली कौन ही ले रहा है? लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, मेन खुद नहीं ले रहे हैं। जहाँ से आप लोग निकले हो मैं भी वहीं से निकला हूँ। ओके, तो वही बस गलियाँ हैं, वही रास्ते हैं, वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ। डेथ तो हो जाएगी। खैर, दोस्तों, ऑफ यू नो मी, प्राइड मंथ फ्लैग का मैंने लास्ट ईयर एक जोक मारा था कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग लगाया था बैकग्राउंड में, यू नो, वाओ, सो फनी राघव, वेरी फनी। आई रियलाइज लेटर ऑन कि बहुत ही इनसेंसिटिव है ऐसे मजाक उड़ाने नीचे किसी चीज का, मतलब दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। तो मतलब इट्स नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ समथिंग लाइक दैट, यू नो, इट्स अ लिटिल इनसेंसिटिव। तो मैं इस साल फिर से कर रहा हूं। Happy Pride Month, guys! Happy Pride Month! Full support! I am literally gay for like 15 days more. मेरे को कैंसिल होने का डर ही नहीं है क्योंकि मैं रेलेवेंट ही नहीं हूँ। So like क्या कर लोगे? क्या? What? क्या? और हाँ, लाइफ में कलर है नहीं, प्राइड फ्लैग पे तो तुम एक्सपेक्ट करो ही मत, ठीक है? दैट्स नॉट हैपनिंग, आई एम सॉरी। डीपी में है, बहुत है, दिमाग मत खाओ मेरा, मत खाओ, स्टॉप इट। खैर गाइस, टुडेज वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमने बहुत टाइम हो गया हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे हेट नहीं करा। इट्स अबाउट टाइम वी डू दैट मैन, इट्स अबाउट टाइम वी कम बैक टू आवर रूट्स। व्हाट गॉट अस हियर? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे हेट करना। एंड आजकल इंस्टाग्राम रील्स के स्लो एफर्ट मार्केट में नए स्पेसिमेन आए, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एक में बच्चा चिल्लाता है, अरे कितना खेला, एक में बुड्ढा बीच में बहुत बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, एक में तारक मेहता। इट्स द मोस्ट रैंडम शिट ऑन द इंटरनेट राइट नाउ, ट्रस्ट मी, लाइक इससे रैंडम चीजें नहीं हो रही है। खैर, वी हैव स्पेसिमेन नंबर 1, ईशान अली, माय गॉड, इसका शो स्टीलर ऑब्वियसली बुड्ढा है क्योंकि वो बीच में बहुत बोलता है। ईशान अली बिल्कुल मेरी तरह है गाइस, एक्सेप्ट वो फेमस है, आई मीन हाँ, ईशान अली एकदम मेरी तरह है गाइस, बहुत ही एविड प्राइड मंथ सपोर्टर है वो भी, ही गोज ऑल इन, मतलब वो इतना ढंग से प्राइड मंथ को सपोर्ट करता है। आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट टू दैट पॉइंट, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। वो बिल्कुल नहीं डरता ब्रो, इट्स सो इंस्पायरिंग टू सी। इट्स क्रिस जी, तू मुंह पे से हाथ हटा, हटा, तुझसे मना कर रहा है, ये ड्रामा छोड़ दे। सॉरी, अब नहीं करूंगी, मेरा मतलब नहीं करूंगा। ऐसे नहीं मानेगा तू, ऐसे भी नहीं मानेगा शायद जावेद भाई। आई फील लाइक यू आर गिविंग हिम एग्जैक्टली व्हाट ही हियर हर देम व्हाट एग्जैक्टली व्हाट ही दे वांट। गाइस, भाई मैं क्यों हूं ऐसा यार? यहाँ पर रुकते नहीं है अपने ईशान अली भाई। ईशान अली, okay, मैं कह रहा हूँ ना, डरते नहीं है वो बहुत क्रेजी है, मेरे आइडल है वो। शालू किन्नर पे भी रील बनाई है, हैशटैग किन्नर, हैशटैग इंस्पिरेशनल, इमोशनल आल्सो। चलो आओ, यहीं पे ही है। आए हाय, बेबी शालू का मत लिए हैं। देखियो राजा बेटा आएगा, राजा बेटा। हाँ, सारक चाहिए के सलमान लाला। इस पे हंस नहीं सकता हूँ मैं, मेरे को, मैं नहीं हंस सकता हूँ इस पे, वेरी इंस्पिरेशनल, हैशटैग इमोशनल है। जरा बजाइए तो बढ़िया वाला, कुछ रुपए झोली में डाल, कर दे हमको माला माल। ब्रो गोज ऑल इन मैन, ही इज सो इनसेन, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम। कुछ रुपए झोली में डाल, ये रियल लाइफ ही लव एट दिस पॉइंट हम सबने देखी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। बेटा सलाम करो। अरे अम्मी, परेशान मत करो मुझे। He is literally me. बहू, इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। जय हो, तेरी नंगी वीडियो वायरल कर। ओए आयुष वर्मा, ये आयुष वर्मा मेरे बीच में बहुत बोलता है। एनीवे, दिस वीडियो गॉट वायरल, बट नोबडी रियली केयर्स कि ये वीडियो एक्चुअली थी किस बारे में। लाइक व्हाट वाज ईशान अली ट्राइंग टू डू? क्या वो बस अपने बुड्ढे की बेइज्जती करवाना चाह रहा था? हाँ, बट उसके साथ व्हाट वाज हिज एम? सो लेट्स फाइंड आउट। को सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये भी ना अपने दादा से बुड्ढा कहता है। लाडला बेटा है मेरा। बहुत लाड। हाँ हेलो, अबे तेरी माँ की। तेरी माँ का बोलता। गाली बकना सीख गया। इसको डांटते क्यों नहीं? अरे अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा। किसकी? अगर मैं किसी को बोलूं डांटते क्यों नहीं और वो मेरे को ऐसी शक्ल दिखाए, मैं, गाइस आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मैं चश्मा दे।
अम्मी 50 रुपए दे। मेरा चश्मा छीन के दिखाए कोई ऐसा बच्चा, पहन के कुछ नहीं करूंगा मैं उसको, ऐसे प्यार से हग कर दूंगा। बेटा अभी खुले नहीं है, थोड़ी देर बाद दे दूंगी। दे दे अभी दे। अरे बेटा पापा मार दूंगा तुम्हारे भी। अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसे बचपन में ही नसीहत करो, क्योंकि वो जितना बड़ा होगा उतना सुधरेगा नहीं और ज्यादा बिगड़ेगा। आज ही आप सबको गालियां बकरा है, आप पे हाथ उठा रहा। अरे बुड्ढा बीच में क्यों नहीं बोल रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है गाइस, बुड्ढा तो बीच में नहीं बोल रहा है। लेट्स इट्स नॉट हैपनिंग, व्हाई इज द बुड्ढा नॉट, बट यू गेट माय पॉइंट गाइस। ईशान अली एक्चुअली अपने पर्सपेक्टिव में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल फिगर मानता है अपने आप को, बट इंस्टाग्राम पे वो एक कॉमेडियन है, बिकॉज़ नोबडी केयर्स व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। हम वीडियो को काट देते हैं, काट दी। अब तो सिर्फ बुड्ढा बीच में बोलता है। So what is this teachers guys? इंटरनेट पे बैठे गलीच, गंदे, कमीने, कुत्ते, गंदे लोग, that's I am one of them, you know, it's us, we are the गलीच people। वो बेचारा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है भाई अपने बच्चे को ढंग से, माँ चुदा है, बुड्ढा बीच में बहुत बोलता है, तेरी माँ की। क्या हुआ पापा को? अरे क्या हुआ चाचा को? दिल में दर्द उठा था, बेहोश होकर गिर गए। भैया वो मुझे पता नहीं था। आपके पापा ठीक? पता नहीं था लोड़े, वो बेड पे लेटा है हॉस्पिटल। तू हॉस्पिटल बेड में है, तेरे को पता कैसे नहीं? माय बैड। भैया वो मुझे पता नहीं था। हो जाएंगे, घबराइए मत, ये मैं लिफाफा लाया था। क्यों, क्या शादी में आए जो लिफाफा दोगे? I don't know what he's going through man, but us भाई, us बुढ़े। अरे ओए काली, क्या देखती रहती है अपने आप को शीशे में? शीशे में बार बार अपने आप को देखने से तू गोरी नहीं हो जाएगी? रंग तो मेरी शर्ट से भी ज्यादा काला है। चल अब जाके मेरे लिए खाना बना के ला। पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूंगा मैं इस बच्चे का? जैसी तू काली है वैसी तेरा बच्चा काला होगा। अबे ओए काली, अबे ओए काली। हंसते नहीं है, पेपर गिर गया, मैं तो उस पे हंस रहा हूँ। ये लड़का मुझे एक महीने से परेशान कर रहा है। इसे बुला और बोल अपनी माँ का दिल यार निकाल के। बहुत प्यार करते हो मुझसे? जी। अपनी माँ का दिल ला सकते हो मेरे लिए? हाँ। बेटा बहुत देर से तेरा इंतजार देख रही हूँ। शॉर्ली नॉट, शॉर्ली नॉट। बैठ, खाना लेके आ। शॉर्ली नॉट, नो नो। जब तुम अपनी माँ के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो? बहन की लौड़ी भाई, बहन की लौड़ी, माँ का दिल लिया है भाई वो, लिटरल भाई। ये तेरी माँ की भाई, इसलिए ऐसी लड़कियां टू द स्ट्रीट्स गाइस, इनसे दूर भागो। तुम अपनी माँ का दिल भी अगर इनके पास लाओगे ये तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि ये किसी की नहीं है। Nobody who's ain't loyal, who's mad. At this point, अगर तुम किसी लड़के को भी बोलोगे ना ये देख मैं अपनी माँ का दिल लाया तेरे लिए, वो नंगा हो जाएगा वहाँ, क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ किया नहीं है। इट्स क्रेजी, लड़कों की छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है यार। माँ का दिल तो वो नंगा हो जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि माँ मर गई और उसको तेरी माँ से प्यार था। सोने का हार तुम्हारे लिए। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी दोस्त तो बहुत अमीर है। और बहन कैसी है? जैसी थी वैसी दिख रही है, तू तो गरीब की गरीब। ये मेरी बात हो रही है शायद? और बहन कैसी है? जैसी थी वैसी दिख रही है, तू तो गरीब की गरीब। बेगम क्या खाओगी? अरे बुड्ढा बोल रहा है। तेरी माँ की। बहुत अच्छी मजूरी हो गई है, बिरयानी मंगा लो। इतनी अच्छी भी नहीं हुई बेगम। बुड्ढा मत ही बोल यार, बुड्ढा क्यों बोल रहा है? ये ख्वाब दिखाता है मातर। आओ अंदर आओ। अरे यार कार बहुत महंगी है, धूल मिट्टी आएगी, गंदी हो जाएगी वो। वैसे भी लोग जलते हैं, गंदी गंदी नजरों से देखते हैं, नजरें इंसान को खा जाती हैं भाई। अच्छा कार की कीमत क्या है? 15 लाख। और भाभी बताया ही नहीं, कीमत तो बताओ, कीमत कौन बताएगा? ये सस्पेंस में छोड़ देते हैं यार, फकिंग बताओ भाभी की कीमत, तो मैं करूं कंपेयर रशियन से। टाइम क्या हो रहा है? हमें टाइम देखना नहीं आता है। हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे। ये बताओ बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है? सब दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। भैया जाओ। बात तो सही है, 2 मिनट में सिखा रहा था वो, लेकिन 2 मिनट में क्यों नहीं सिखाया? मैं 2 मिनट में सिखाता हूँ, 2 मिनट मेरे को भी नहीं आती। बहुत सर्दी हो रही है यार, ये फुहार पड़ने से और ज्यादा बढ़ गई है। चाचा इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी लग रही है आपको? बेटा मेरे नसीब में कमल नहीं है।
बुढ़ा होमलेस हो गया यार। अब बुढ़ा किसके बीच में बोलेगा? मैं कहीं ये चिल्लाता है बहुत, ये बुढ़ा नहीं ये बच्चा चिल्लाता है। अरे क्या? हाँ मैं पार्टी में जा रही हूँ। मुझे भी पार्टी में ले चलो। ये एक्चुअली इसका पिंग थोड़ा हाई है तो इसका थोड़ा डिले आता है आवाज में। बेटा मैं दो दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ पैसे दे दो। कितना हुआ तेरा पैसा? 20 पेंटी ले पैसा। आंटी मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैं नहीं जानती, तू कहीं से छुट्टे ला कर दे। जग से हारा नहीं मैं। सॉरी बेटा, मेरा बोल क्या रहा है लेकिन। बुड्ढा बीच में बहुत बोलिया। वी मूव ऑन टू स्पेसिमेन नंबर टू विच इज शालिनी सिंह। गाइस शालिनी सिंह शॉर्ट्स बट इनका शो स्टीलर इट्स तारक मेहता। गाइस में बैठ के ये सब गंदे काम करता है ये। There is no way that लोग सोचते हैं पहले इस बारे में। ये स्क्रिप्ट होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर डालते हैं नोइंगली कि तुम ये डाल रहे हो। तो शर्म नहीं आई गंदी हरकत करते हुए? क्या गलती है मुझे बताइए तो सही। सर देखा कितना बदतमीज आदमी। ले देख। अरे सर सुनो, तुम्हारे साहब हमें नौकरी से ही निकाल रहे हैं। गंदी हरकत करता है ये, गंदी हरकत करे। तू खुद ही देख ले, आपको सही में गलत है। मेरा प्रोटीन शेक बना रहे थे भाई। लेकिन तारक मेहता तेरा प्रोटीन शेक क्यों बना रहा है? एंड वॉइस बहुत बहुत प्रोटीन है, बहुत बहुत प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन है शायद। तारक भाई, तारक भाई। लेकिन हमारे कॉलेज का ना एक रूल है, जो लेट आता है हम उसको बिना सीनियर के परमिशन के अंदर एंट्री नहीं देते। तो आज हमारे कॉलेज के यहाँ पे प्रिंसिपल सर आए हुए, तो मैं उनको बुला देता हूँ। तुम एक काम करो, उनसे सॉरी बोल के अंदर एंट्री ले लो। प्रिंसिपल सर। ये बुड्ढा, बुड्ढा ओए क्रॉसओवर है। अरे नहीं, इट्स नॉट बुड्ढा, इट्स तारक मेहता। ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन? ए मोबाइल में कितना मस्त आइटम सब है। हे भगवान, हम पे भी तो कुछ दया करो। साहब साहब की देखिए, परफ्यूम मात्र 50 रुपए और बहुत ही बढ़िया महकता है। अरे परफ्यूम का तो छोड़ डार्लिंग, हाँ मुझे तो इस समय तेरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तू अपना रेट बता। सब मुझसे ऐसे मत बोलो साहब। और फिर रेट बताते ही नहीं है, तुम रेट भी नहीं बता रहे हो। एंड ये फकिंग 3-4 पार्ट सीरीज है जिसमें पता लगता है कि ये बंदी स्कैमर है, ये बंदी परफ्यूम सुगाती है तारक मेहता को, और तारक मेहता बेहोश हो जाता है, फिर ये किसी और को सुगाती है जो कॉन्स्टेबल हवलदार होता है जो उसको पकड़ लेता है, और फिर पता लगता है कि तारक मेहता तो हफ्सी था, तारक मेहता हफ्सी था, तारक मेहता को रेट ही चाहिए था बस उस लड़की का, बट वो तारक मेहता भी पुलिस का पार्ट था, हफ्सी था बट पुलिस का पार्ट था। क्या आप ये राइटर्स यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं? बॉलीवुड से बेटर स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है गाइस यहां पर। यू डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस, इट्स वेज ऑफ एंजॉयमेंट यू नो। आइडियली ये रील्स खराब है, लाइक लेट्स बी रियल, Nobody is interested in the 4-part series which starts with fucking Shalini Singh perfume बेच रही है, but तारक मेहता को perfume का rate नहीं, लड़की का rate चाहिए। उसके बाद क्या होता है? Who cares? March die? The message? Fuck that shit. Rate कितना है? But there is one Ishan Ali reel that I genuinely enjoy. It's one of my favorites actually. आ गया? नहीं आया हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। How I'm trying to be? Fucking goat, this guys. आने की तैयारी कर। क्या हाल है? हाल बेहाल है। Same. बारे में गुजर रही मेरी पूरी साल है। Same. ला दे दे, तेरी जेब में अगर कोई माल है। Same. मैं तो खैरियत पूछ रहा था। आए हो तो कुछ दिन रुक जाओ, इसे अपने ही घर समझो। अपना घर समझो मतलब यहाँ झाड़ू लगाऊं पोछा लगाऊं? आप क्यों पापा पे गुस्सा कर रहे हैं? ओ मैडम माया, दूर दूर तक नहीं दिखेगा तेरा साया। पूरा घर उड़वा लूंगा, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया और कहाँ से आया। ब्रो इज स्पिटिंग, ब्रो इज लिटरली स्पिटिंग। वो आज उठा, उसने कहा आज मैं बार स्पिट करूंगा, एंड फिर उसने बार स्पिट करे। दामाद जी गलती हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो, लड़ो मत, हम नहीं रोक रहे हैं तुम्हें। ये लो दामाद जी। ये क्या दे रहे हो? 50 रुपए? दामाद हूँ, भिखारी नहीं हूँ। अरे बुड्ढे क्या कर रहे हैं? लो इसे,
आपने अपने ससुर जी के मुंह पर ये अरे अब ज्ञान नहीं सुनना मेरे को, बट हाँ मेरे हिसाब से इसको अब डेड डिक्लेयर कर देते, मेरी कोई सुनता है नहीं, बट लाइक लेट्स स्टॉप क्रॉपिंग दीज वीडियोस एंड गिविंग देम मोर वैलिडेशन देन दे वांट। वो लोग इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके माल का बस मैन्युफैक्चरिंग डीमैन्युफैक्चरिंग रिसाइक्लिंग कर रहे हैं टू व्हाट वी लाइक। इट्स नॉट फेयर फॉर द बुड्ढा मैन, वो बेचारा तो बस एक्टिंग कर रहा था, उसका मजाक बना दिया इंटरनेट पे यार, वो जहां दिखता है वो बीच में बोल रहा होता है यार। Hey guys, that's it for today's video. अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, I'm trying to be consistent, I'm trying, trust me. आती रहेंगी वीकली वीडियोस, शेयर कर देना if you enjoyed it. बाकी जाओ यार, कमेंट करो, लाइक करो, बाय बाय, I'll see you in the next one. Happy Pride guys. Bullet up, I'm with the game, we taking shots off the rebound.